बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनके वीज़ा आ चुके हैं और गुड लक टू दोस्त जो अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल उन लोगों की तरफ से जो कि अब मूव कर रहे हैं या दे आर प्लानिंग टू मूव, कौन सी सिटी में मूव किया जाए, कौन सा सिटी बेस्ट है। मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूँगा, आई विल पुट सम analysis on that and I will try to answer the question as much as information I have. देखें, ऑस्ट्रेलिया में दो एरियाज हैं, एक मेट्रोपोलिटन का एरिया है और एक रीजनल एरिया है। मेट्रोपोलिटन जस्ट लाइक मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, और रीजनल एरियाज में आपका तस्मानिया, आपका पर्थ, एडिलेड, डार्विन, यानी जहाँ पर कम पॉपुलेशन है। अब इसके एनालिसिस आप खुद आप डिसाइड कर सकेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको कौन से एरियाज में आप मूव करना चाहिए या आप जहाँ आपके लिए बेटर रहेगा। I would explain in terms of residence and jobs. PR का भी I would try to explain अपने personal experience. Number one, आप किसी metropolitan किसी big city में जाते हैं, उसके थोड़े से problems हैं। वो क्या है? एक expensive है, वहाँ पर आपको properties expensive मिलेंगी, वहाँ आपको accommodation expensive मिलेगी, food little bit expensive होगा, आपके bills little bit ज़्यादा आएंगे, you will spend more time on the road, you will spend more फ्यूल ऑन योर कार बिकॉज आपको यहाँ से वहाँ मूव करना है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि रीजनल एरियाज में लेस एक्सपेंसिव है, लेस बिजी है। अब एक रिसर्च के तहत आप कंपेरेटिवली आप लेस टाइम ट्रैफिक में स्पेंड करते हो रीजनल्स में, अप्रॉक्सीमेटली 2 hours आप स्पेंड करते हो अगर आप रहते हो किसी भी मेट्रोपोलिटन एरियाज में, सिडनी या मेलबर्न जैसे। बट इफ़ यू लिव इन एनी रीजनल एरिया आप कम टाइम स्पेंड करते हो क्योंकि लेस ट्रैफिक होती है, आपकी जो है वो लेस एजेशन होती है, आप ज़्यादा मूव करने में आपको टाइम नहीं लगता तो आपका टाइम कम स्पेंड होता है। द अदर थिंग इन टर्म्स ऑफ जॉब, आप और जॉब्स आपको बहुत ईजीली मिल जाती हैं सिडनी या मेलबर्न में, जबकि प्रोफेशनल जॉब्स थोड़ी सी मुश्किल हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, लेस पीपल लेस कॉम्पिटिशन, मोर पीपल मोर कॉम्पिटिशन। आपका जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे उसकी वजह क्या है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। सिडनी या मेलबर्न में लोग बहुत ज़्यादा हैं, अदर फॉरेन नेशनल्स भी वहाँ पे रह रहे हैं, मल्टी कल्चरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंट्री से लोग आके रह रहे हैं, वो भी जॉब्स कर रहे हैं। जबकि आप रीजनल में आ जाएँ बहुत कम लोग रीजनल में मूव करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कम लोगों की मूव करने की रीज़न ये है कि यहाँ पे कम फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ, आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा घूमने फिरने की जगह हैं, यहाँ पे कम घूमने फिरने की जगह हैं, यहाँ पे कम रिसोर्सेज उस तरह की मौजूद हैं। लेकिन बाहर अगर आप किसी सिटी मेडमन में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सेम है। ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल अगर आप किसी छोटे से गाँव में भी रह रहे हैं, किसी छोटे से रीजनल एरिया में, आउटबैक ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं, तो आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेम रहती हैं, आपको ग्रॉसरीज, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरनेट, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। पाकिस्तान से हम आ रहे हैं तो पाकिस्तान में हम पता नहीं कैसी कंडीशंस में रह चुके हैं, तो हम यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ जॉब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास थोड़ा सा भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो गो फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप वहाँ जॉब के लिए ट्राई करें, आप बहुत चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग छोड़ भी रहे होते हैं जॉब बहुत ज़्यादा, कंपनीज बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। बट इफ़ यू कम टू एनी रीजनल एरिया, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जॉब लेने के, प्रोफेशनल जॉब्स, नॉट द और जॉब्स। आप प्रोफेशनल जॉब्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजनल में मूव करते हैं। द ओनली रीजनल विच आई रिकमेंड फॉर इंजीनियर्स इज पर्थ। उसकी रीज़न क्या है? पर्थ $1 trillion की इकॉनमी, $1 trillion यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो हर साल बिजनेस करती हैं। और दूसरी वजह क्या है उसकी, पर्थ इज़ अ मिनी दुबई। इफ़ यू एवर बीन टू दुबई, आपने देखा होगा दुबई कैसी इंडस्ट्रियल कंट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, पर्थ इज सेम लाइक दैट। यहाँ पे माइनिंग का $4 billion का बिजनेस है, माइनिंग से रिलेटेड आपको डिफरेंट फील्ड में काम मिल जाते हैं, माइनिंग की वजह से प्रोडक्शन में काम आ जाता है, आपकी एक्सप्लोरेशन में काम आ जाता है, मेटलर्जिस्ट का काम आ जाता है, डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, और माइनिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब आप पर्थ के ऊपर मैं कलाजा से वीडियो बनाऊंगा बाय द वे, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पर्थ में रहने वालों को क्या पॉजिटिव, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें को देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप seek.com पे जाएं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, सो आप seek.com पे अपना प्रोफेशन देखें, आप सिटी चूज़ करें, सिडनी चूज़ करें, मेलबर्न चूज़ करें, पर्थ चूज़ करें,
जहां पे आपको जॉब ज्यादा मिलती हैं, आप उस सिटी के बारे में सोचिए और देन उस सिटी के बारे में रिसर्च करें, वहां पे कंडीशंस कैसी है रहने की, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी कितनी रह रही है, वहां पे हलाल शॉप्स कितनी हैं, वहां पे आपको कार्स, आपको अकोमोडेशन इजीली अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। द अदर थिंग इज दैट कि डोंट वेस्ट योर टाइम, एवरी सेकेंड इन दिस वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कैश आउट करके आइदर यू कैन बी अ सक्सेसफुल और आइदर आप इसको लूज करके आप यू कैन बी अ फेलियर। आप इस वीजा को अच्छे से यूटिलाइज करें, आप गाइडेंस लें और आई वुड से कि गो फॉर पीआर। आप पीआर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें रादर देन मनी। आई नो आप ज़्यादा पैसे अर्न कर लेंगे सिडनी मेलबर्न में, पर कितने ऐसे थे 18 मंथ्स के लिए, उसके बाद आपको स्टूडेंट जाना पड़ेगा। बट व्हाट वुड आई से यू कि आप पीआर पे फोकस करो। आपके पीआर कहाँ पे इजीली आ रहे हैं, पीआर साहब कहाँ पे इजी आ रही है, रीजनल एरियाज में आपको पीआर बहुत ईजी है, आप अच्छी सी जॉब यहाँ पे ढूंढो, अपनी प्रोफेशनल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। जॉब के बेस पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, जॉब के बेस पे आपको कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। आई होप यू लाइक माय वीडियो टुडे एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद दोस फ्रेंड्स हु आर वेलिंग टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया सून इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस फॉर वेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू।